अहमद नॉलेज के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, फिरौनों ने मिस्र पर 3,300 साल तक हुकूमत की थी। तारीख में 33 फिरौन गुजरे हैं और हर फिरौन को तकरीबन 100 साल का इख्तदार मिला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी फिरौन का मुकाबला हुआ, यह पानी में डूबा और इसके साथ ही फिरौनों का इख्तदार भी डूब गया। फिरौन ख़त्म हो गए और रेत ने इनके महलात को ढाँप लिया। वक्त के साथ साथ ये रेत के छोटे बड़े टीले बन गए और इन टीलों के इर्द गिर्द लक्सर का शहर आबाद हो गया। इन टीलों में से किसी टीले पर एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई। जब 1900 के शुरू में खुदाई शुरू हुई और रेत से फिरौन का महल बरामद हुआ तो पता चला कि यह मस्जिद उनके खसूसी दरबार के ऊपर बन गई थी। ये मस्जिद आज तक कायम है, ऊपर मस्जिद और नीचे फिरौन का दरबार है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता रहता है कि हर उरूज को जवाल है। और नाज़रीन, इस महल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत और बड़ाई की सदाएं गूंजती रही, जिसके रहने वालों ने कभी खुदाई के दावे किए थे। दोस्तों, एक शख्स अजान की इस गूंज के अल्फाज की इस तरह मंजर कशी करता है कि मैं 5,000 साल पुराने महल की खिड़की में खड़ा हो गया। मेरे देखते ही देखते सूरज की सुर्खी नील के पानी में घुल गई और इसी के साथ फिरौन का महल अजान की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने ज़िंदगी में हज़ारों अजानें सुनी हैं, लेकिन फिरौन के महल की अजान की आवाज़ का अपना ही सुरूर था। मौज़न की आवाज़ का उतार चढ़ाव महल की दीवारों से टकरा रहा था और दीवारों पर लगी तहरीरों को पैगाम दे रहा था कि हर फिरौन को जवाल है, लेकिन अल्लाह का पैगाम दाइमी और हक है। इस दुनिया में अशहदु अल्ला इलाहा के सिवा हर चीज़ फ़ानी है। मुझे अजान की इस आवाज़ में फिरौन का मुजस्मा उदास दिखाई दिया। मुझे महसूस हुआ जैसे वो अपने गुजरे तकब्बुर पर अफसोस कर रहा था। दोस्तों, हकीकत यही है कि हर उरूज को जवाल है। जिन लोगों ने अपनी दौलत और बादशाहत के गुरूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ललकारा, आज वो बेबस और लाचार पड़े हुए हैं। जब उसकी पकड़ आती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत और दौलत काम नहीं आती। इसी के साथ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।